हेलो दोस्तों, ये है क्विक हैक, एक हैकिंग कोर्स बिगिनर्स के लिए जहां पर मैं लोगों को हैकिंग इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। व्हाइट हैट हैकिंग, यहां पर हम ऐसी हैकिंग की बात करने वाले हैं जो लीगल है, जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं, जिससे आप अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो वहां हम ये बात करने वाले हैं पूरी। तो इस कोर्स से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पहले ये बात करते हैं कि क्या इससे एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। देखिए, इस कोर्स से आप पूरे सबसे बड़े हैकर या ऐसे प्रोफेशनल हैकर नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो मेन कोर्स होता है, या आप कह सकते हैं जो बेसिक जो चाहिए, वो मैं आपको सिखा दूंगा। जो शुरुआती दौर में जो लोग सीखते हैं, कई लोग भटक जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि कहाँ से शुरू करना है, क्या चीज़ क्या होती है। जो कॉमन अटैक्स होते हैं, जो कॉमन थ्योरीज होती हैं, जो लोगों को नहीं पता, वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और मैंने बहुत रिसर्च की है, जितने भी हैकिंग के कोर्स होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव कोर्सेज होते हैं जिनकी शुरुआती फीस होती है 50,000-60,000 रुपये, वो मैंने कोर्स सारे देखे। वहाँ पर क्या होता है, काम की सिर्फ 5 चीज़ें होती हैं, बाकी सब कचरा होता है। कचरा मीन्स कचरा, जो चीज़ें आपको नहीं सीखनी चाहिए, जिनका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं है, वो शुरुआत इससे करते हैं कि हैकर कौन होते हैं, क्या करते हैं, ये सब जानते हैं, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि क्या होता है कि वो लोग इतने पैसे लेते हैं, तो वो अगर वही चीज वो 5 दिन में सिखा देंगे तो लोगों को लगेगा उन्होंने ठग लिया, राइट? उनसे ज्यादा पैसे ले लिए, सिर्फ 5 दिन पढ़ाया, बस इतना ही होता है क्या? इसीलिए वो क्लासेस को लंबा खींचते हैं और 1 महीना 2 महीना 6 महीने तक बुलाते हैं क्लासेस में, सिर्फ लेक्चर्स देते हैं, प्रैक्टिकल्स नहीं करने चाहते। ये जो मेरा प्रोग्राम है, यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान देने वाला हूँ और थ्योरी पे कम। फिर भी मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाई है, एक थ्योरेटिकल वीडियो। मतलब आप कह सकते हैं एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये क्या होता है, और दूसरी वीडियो में उसी फोल्डर में बताया कि इसको कैसे प्रैक्टिकल करना है। इसमें अलग अलग चैप्टर बांटे हुए हैं, अलग अलग चैप्टर का अलग अलग फोल्डर है, और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक दिन में एक फोल्डर खोलें और उसमें से पढ़ें, सीखें, प्रैक्टिकल करें, फिर छोड़ दें। फिर अगले दिन शुरू करें, दूसरा फोल्डर खोलें, प्रैक्टिकल करें, सीखें, छोड़ दें। तो इस तरीके से आपको करना है। आप ज्यादा जल्दबाजी में सारे फोल्डर एक बार में ना खोल लें, इससे क्या होगा कि आप एक टॉपिक पर ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे और हर बड़ी में आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। कई चीजें इसमें ऐसी भी हो सकती हैं, अगर आपको हैकिंग में इंटरेस्ट है और आप पहले से कुछ कर रहे हैं या पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इस कोर्स में सिखाई गई चीजें आप पहले से जानते हो, कुछ चीजें आपको पहले से पता हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये प्रोग्राम खराब है और आपको इसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि क्लास में क्या होता है कि कई बच्चे थोड़े से स्मार्ट होते हैं और वो कई चीज़ें पहले से जानते हैं, तो क्या वो हल्ला मचाने लगते हैं टीचर्स को देख के कि हमें तो ये आता है, क्या बता रहे हो, हमें कुछ ऐसा बताओ जो नहीं। ये शिष्टाचार में नहीं आता और आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सीखिए, क्या पता आपको उसमें से बहुत चीज़ें ना पता हो। ऐसा होता है कई बार कि आप किसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि वो आता है लेकिन आपको नहीं आता, तो आप लर्निंग एटीट्यूड रखिए, चीज़ों को सीखिए और करिए। इस कोर्स के साथ मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी आपको दूंगा, वहां आप ऐड हो सकते हैं और वहां हम कोर्स से रिलेटेड चीजें डिस्कस करेंगे। और आपको जैसे पता ही है, ये कुछ लोगों को, गिने चुने लोगों को ये कोर्स दिया गया है, मेरे सब्सक्राइबर्स में से कुछ लोगों को ये कोर्स दिया गया है। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो इसका मतलब ये कोर्स आपको दिया गया है और आप चुने जा चुके हैं। तो इस कोर्स का आपको ऐसे इस्तेमाल करना है, ऐसे पढ़ना है, ठीक है? अगर कोई ट्रिक आपकी या कोई हैक काम नहीं करता है तो दिमाग को शांत करें, फिर से देखें और इंटरनेट पर सर्च करें क्या हो रहा है और उसको करें। वैसे ज्यादातर जो मैंने प्रोग्राम दिए हैं, इसमें जो लेसन्स दिए हैं, वो बहुत ही आसान है समझने में, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा।